सिराज विधानसभा क्षेत्र के जंजेली कैलोनाल में आज शुक्रवार को ताजा बर्फबारी होने के कारण एक प्राइवेट बस स्किड हो गई, जिसमें बड़ा हादसा होने से बस बाल बाल बच गई है। जिसमें कैप्टन श्याम चंद ने ताजा जानकारी देते हुए बताया कि बस सुबह जंजेली भुला से मंडी की तरफ जा रही थी और वहीं देर रात से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण सड़क में 4 इंच से ऊपर बर्फ जमी हुई थी। जैसे ही बस ड्राइवर ने बस स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे केलोनाल में बस पहुंचाई और वहीं एक मोड़ से बस के ठोकर सीधी डंगे के ऊपर टकरा गई। बताया जा रहा है कि अगर ये बस डंगे के ऊपर ना टकराती तो बस सीधी नीचे चली जाती और एक बड़े हादसे का शिकार होती। कैप्टन श्यामचंद का कहना है कि गाड़ी चालक बेवजह घर से बाहर ना निकले, पहाड़ों की सड़कें बर्फबारी में हादसे का शिकार बन जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूं कि सराज के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। शिकारी माता के प्रांगण में लगभग 1 फीट बर्फ जम चुकी है और इसके साथ लगते हुए गांव में भी च्याड़ा, बनसोड़, शोधा, डलिहार, घंटू, बुल्हा तक लगभग 6 इंच बर्फ जम चुकी है। सड़क में भी बर्फ जम चुकी है, जिससे आप लोगों को हिदायत दी जाती है कि गाड़ियाँ लेकर के खासतौर पर माता शिकारी और रायगढ़ करसोग जाने की कोशिश ना करें, कृपया जान को जोखिम में ना डालें। आप देख सकते हैं फोटो में कि आज सुबह ही हमारे यहाँ के लोग, जो प्राइवेट बस अंजलि चलती थी सुबह, उसकी टोकर के रोड से बाहर फिसल गई है। तो इस प्रकार से आप हादसों से बचें, कृपया बर्फ़ का आनंद अपने घरों और आसपास में ही लें। जय हिंद, जय भारत, जय सराज। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सिराज छत्री से रमेश ठाकुर की रिपोर्ट। सिराज विधानसभा क्षेत्र के जंजेली कैलोनाल में आज शुक्रवार को ताजा बर्फबारी होने के कारण एक प्राइवेट बस स्किड हो गई, जिसमें बड़ा हादसा होने से बस बाल बाल बच गई है। जिसमें कैप्टन श्याम चंद ने ताजा जानकारी देते हुए बताया कि बस सुबह जंजेली भुला से मंडी की तरफ जा रही थी और वहीं देर रात से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण सड़क में 4 इंच से ऊपर बर्फ जमी हुई थी। जैसे ही बस ड्राइवर ने बस स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे केलोनाल में बस पहुंचाई और वहीं एक मोड़ से बस के ठोकर सीधी डंगे के ऊपर टकरा गई। बताया जा रहा है कि अगर ये बस डंगे के ऊपर ना टकराती तो बस सीधी नीचे चली जाती और एक बड़े हादसे का शिकार होती। कैप्टन श्यामचंद का कहना है कि गाड़ी चालक बेवजह घर से बाहर ना निकले, पहाड़ों की सड़कें बर्फबारी में हादसे का शिकार बन जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूं कि सराज के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। शिकारी माता के प्रांगण में लगभग 1 फीट बर्फ जम चुकी है और इसके साथ लगते हुए गांव में भी च्याड़ा, बनसोड़, शोधा, डलिहार, घंटू, बुल्हा तक लगभग 6 इंच बर्फ जम चुकी है। सड़क में भी बर्फ जम चुकी है, जिससे आप लोगों को हिदायत दी जाती है कि गाड़ियाँ लेकर के खासतौर पर माता शिकारी और रायगढ़ करसोग जाने की कोशिश ना करें, कृपया जान को जोखिम में ना डालें। आप देख सकते हैं फोटो में कि आज सुबह ही हमारे यहाँ के लोग, जो प्राइवेट बस अंजलि चलती थी सुबह, उसकी टोकर के रोड से बाहर फिसल गई है। तो इस प्रकार से आप हादसों से बचें, कृपया बर्फ़ का आनंद अपने घरों और आसपास में ही लें। जय हिंद, जय भारत, जय सराज। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सिराज छत्री से रमेश ठाकुर की रिपोर्ट।